साक्षी मलिक द बॉम्ब डिगी गर्ल हैज गॉट द प्रॉमिस रिंग। साक्षी मलिक जो कि बॉम्ब डिगी गर्ल के नाम से बहुत फेमस हैं, उन्होंने अपना प्रिंस चार्मिंग सेलेक्ट कर लिया है। उनको दिल्ली के रोजेट हाउस होटल में उनके प्रिंस चार्मिंग ने प्रॉमिस रिंग दी है और ये प्रॉमिस रिंग एक्सेप्ट कर ली है साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ने कहा है कि उनको अपना प्रिंस चार्मिंग मिल चुका है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इसी आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे अच्छा लड़का उनको नहीं मिल सकता जो उनको पूरी तरह से समझ रहा है, उनकी भावनाओं की कदर करता है और उनकी पूरी तरह से एज अ बेबी केयर कर। तो ये कौन है प्रिंस चार्मिंग? ये प्रिंस चार्मिंग है सांतुल कठारा। सांतुल कठारा एक मीडिया और प्रोडक्शन हाउस ओन करते हैं। इस मीडिया हाउस का नाम है QFM, क्विकी फोन मीडिया एंड प्रोडक्शन हाउस। ये मीडिया हाउस एक मुंबई बेस्ड मीडिया और प्रोडक्शन कंपनी है और ये प्रोडक्शन कंपनी डिफरेंट फैशन प्रोजेक्ट्स और फैशन फिल्म्स में इन्वेस्ट करती है, उनको शूट करती है। इन्हीं फैशन फिल्म्स की शूट के दौरान इनकी मुलाकात हुई साक्षी मलिक से। साक्षी मलिक से इनकी मुलाकात एक शिमला में फैशन शूट जो ये खुद प्रोड्यूस कर रहे थे और ये फैशन शूट हो रहा था रिलायंस ट्रेंड्स के लिए। ये देखिए इसी एड में, एग्जैक्टली इसी एड के शूट के दौरान साक्षी मलिक और शांतुल कठारा की मुलाकात हुई। रिलायंस ट्रेंड के एडवर्टाइजमेंट शूट के टाइम शिमला में साक्षी मलिक और शांतुल कठारा की पहली मुलाकात हुई और फिर ये एक दूसरे को लाइक करने लगे और उसके ठीक 3 महीने बाद में दे फेल इन लव एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वी नो दैट दे आर कपल नाउ। एंड आपको बता दें कि प्रॉमिस रिंग जो होती है वो एंगेजमेंट रिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रॉमिस रिंग में सिर्फ ये वादा किया जाता है कि हम साथ रहेंगे जिंदगी भर एक दूसरे के। एंगेजमेंट रिंग उसके बाद आती है। प्रॉमिस रिंग इज जस्ट एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।